जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। साथियों, मैं कुलदीप लेकर उपस्थित हूँ। आपका जो टॉपिक था एलसीएम और एचसीएफ, उसमें आज मैं बताऊंगा आपको विविध क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वह किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न रहेगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपका बताने जा रहा हूँ, एक मिनट भाई। जैसा कि दिया है कि किसी कमरे को 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाए जाने सकने वाले वर्गाकार टाइल्स की संख्या पूछा है, न्यूनतम संख्या कितनी होगी। साथियों, जब आपसे न्यूनतम संख्या पूछेगा तो जो भी आप टाइल्स लेंगे उसका माप बड़ा से बड़ा लेंगे। तो मेरे भाई, जब बड़ा से बड़ा ज्ञात करना हो तो हमेशा आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसा कि दिया है लंबाई दिया है लेंथ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर मेरे भाई, ठीक है। तो इसे आप पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो एक मीटर में होता है मेरे भाई 1000 क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, नहीं 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी मेरे भाई, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। अब 1500 में जोड़ेंगे हम 17, तो 1517 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को सीएम लेंगे। उसी तरह चौड़ाई दिया है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। चौड़ाई दिया मेरे भाई कि 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर सेमी, तो इसे भी आप चेंज करेंगे तो 902 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर। तो जब आपको न्यूनतम उसका क्या टाइल्सों की संख्या लेना हो तो आप सदैव एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। तो एचसीएफ दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक भाग विधि होता है, एक होता है गुणनखंड विधि। तो सबसे अच्छा होता है भाग विधि, ठीक है। तो भाग विधि में कैसे करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार जाएगा आई थिंक, और ये हो जाएगा 9, 6, 15। अब क्या करते हैं कि जो शेष आता है ना, अब यह दूसरे स्टेप में भाजक का काम करेगा, और जो पहला भाजक था यह भाजक का काम करेगा मेरे भाई। तो 902 फिर एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 615। अब घटाएंगे तो आएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा आपका 187। अब क्या करेंगे, अब 187 से भाग देंगे किसमें, जो आपका इससे ऊपर वाला भाजक था उसमें 615 में। तो 615 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार लेकर चले, नहीं 4 बार, 4 7 28, 4 8 32, अब 32 और 2 34, और 4 3 7 ज़्यादा हो रहा है तो फिर 3 बार ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे चेक कर लिया करेंगे। 3 7 21, 3 8 24, और 2 3 8 24 2 26, और 3 2 5, घटाएंगे तो 4 आएगा, ये आएगा आपका 5, और यह हो जाएगा 0 कट, ये हो गया आपका 87। अब देखिए कितने बार जाएगा, 4 5 2 10 5 3 15, 3 बार देखिए, 3 4 12, 3 5 15 1 16, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2 25, तो 54 में भाग देंगे, ऐसे भाग देते रहेंगे, ठीक है। ये आएगा आपका 25 2 50, ऑप्शन में क्या दिया है, अच्छा यहाँ पे 287 रहेगी, गलती हुआ मेरे भाई, थोड़ी सी गलती यहाँ पे आ गया है, घटाने में 287 रहेगा था ना, 615 में डिवाइड करेंगे तो यह कितने बार जाएगा, यह जाएगा 2 3 6 3 वाले, चलिए 24 3 9 6 9 2 बार,
दो सत्य 14, दो ठे 16, 1 17, और दो दूना 4 एक 5, एक ये हो जाएगा 7 4 11 कट जाएगा। 41 से भाग देंगे इसमें 287, 7 बार जाएगा मेरे भाई, 7 बार, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये कट गया। तो 41 क्या हो गया, इन दो संख्याओं का एचसीएफ हो गया, ठीक है। इन दो संख्याओं का एचसीएफ किसका किसका, 902 और 1517 का एचसीएफ क्या हो गया, 41। तो 41 क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। तो मेरे भाई जो 41 है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 902 भी विभाज्य हो जाएगा और 1517 भी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर संख्या ज्ञात करना है, क्या पूछा, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या, तो संख्या पूछा है ना मेरे भाई, तो आप क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, कमरे का क्षेत्रफल, इसको मिटा दे रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल में डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, 41 जो आएगा 41 मीटर चौड़ा होगा, और सेंटीमीटर चौड़ा होगा और 41 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है। तो ये जो आएगा वर्गाकार टाइल्स, उसकी भुजा क्या है, 41 सेंटीमीटर वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार भुजा ये मेरे भाई, ठीक है। तब क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या, संख्या बराबर क्षेत्रफल होगा किसका, क्षेत्रफल इसका होगा आयताकार का, भुजा वाले का, ठीक है। और क्षेत्रफल किसका होगा, वर्गाकार भुजा का, भुजा का। तो देखो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 902 गुणे ये हो जाएगा 1517, अब बटे वर्ग का होता है, भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। यहीं पे आप लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल इंटू बी, ठीक है। और वर्ग का होता है मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तब क्या होगा, 41 इसे काटिए, 41 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 41 दोना, 41 दूनी होता है 82, और फिर बचेगा आपका 8, तो 41 दिन 82, ठीक है। फिर ये 41 से देंगे आप, तो 41 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है, 4 3 12, 3 बार ले जाओ, 3 4 12, 7 8 3 11, 2 7, फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार, ठीक है। तो 37 यहाँ से आ गया, यहाँ से 37, तो इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22 गुणे 37, और इसका मान क्या आएगा, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार मेरे भाई, मिटा दे रहा तो 22 गुणे 37 का मान आएगा, 22 गुणे 37 बराबर कैसे करेंगे, देखो पहले 2 से इसमें 11 गुणे इसको लिख सकते हैं, 7 2 14 और 2 3 6 1 7 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों, इसमें 2 कामन करके इसमें मल्टीप्लाई कर दें। देखो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, इस इन संख्या को दूर दूर लिखना, इनको ऐड करना, तो 7 4 11 11 को 1 कैरी 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 814 टाइल्सों की न्यूनतम संख्या है जो यहाँ पे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर आपका सही है, 814 ऑप्शन नंबर डी, डी फार होता है देवदास, ठीक है, या डी फार
क्या बोल सकते हैं, डी फॉर दिलाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, 814 ये आंसर आएगा, वह न्यूनतम संख्या वर्गाकार टाइल्सों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। यह क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल 2016 और एसएससी 2003 में पूछ आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा एक बार। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 9 मीटर 99 सेंटीमीटर लंबा, तो लंबाई क्या दिया है, 9 मीटर और 99 सेंटीमीटर। हमने आपको ये बताया था कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़े आप कीड़े आ जा रहे हैं। तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 999 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई दिया है, 4 मीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 407 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई पूछा है कि कमरे के फर्श पर खंडजा डालने के लिए, खड़ंजा, ठीक है, आवश्यक वर्गाकार टाइल्सों की कम से कम संख्या। जब भी मेरे भाई न्यूनतम पूछे, कम से कम पूछे, तो सदैव आप जो भी माप लाएंगे ना, बड़ा बड़ा लाएंगे तो वहाँ पर टाइल्सों की संख्या कम लगेगा। जैसे यहीं पर आपको लगाना हो टाइल्स, तो जितना बड़ा आप लेंगे, जितना बड़ा बड़ा लेंगे तो टाइल्सों की संख्या क्या होगा, कम आएगा, ठीक है। अगर आप छोटा छोटा लेंगे ना तो टाइल्सों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मेरे भाई क्या करेंगे, जब बड़ा से बड़ा ज्ञात करना होता है तो सदैव आप जो संख्या दी होती है उनका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का दो तरीका हमने आपको बताया था, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो जब नंबर्स बड़े बड़े हों तो वहाँ पर आप सदैव भाग विधि का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। जैसे क्या है कि भाग विधि का प्रयोग करने से क्या होता है कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से ज्ञात हो जाएगा आपको। जैसे 407 से डिवाइड करना 999 में, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 2 बार, कितने बार, 2 बार, 7 × 14 = 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 × 1। अब क्या होगा, ये जो शेष है ना, अब ये भाजक का काम करेगा, और जो पहला हमारा भाजक था वो भाज्य का काम करेगा, तो 407 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 बार लेके जाइए, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 × 17 और 2 × 1 = 3, तो ये 7 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 3 × 37। अब 37 से हम डिवाइड करेंगे, 37 से 185 में, तो 5 बार जाएगा क्या, हाँ, 5 × 7 = 35, 5 × 15 = 18। मतलब क्या है मेरे भाई कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ जो आया है, एचसीएफ यह आया है 37। 37 क्या है, वर्गाकार जो टाइल्स है उसके भुजाओं की लंबाई है, 37 सेंटीमीटर लंबा और 37 सेंटीमीटर चौड़ा वर्गाकार टाइल्स लेंगे तो वहाँ पर टाइल्सों की संख्या कम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 37 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 407 भी विभाजित हो जाएगा और 999 भी हो जाएगा, तो टाइल्स जो है फालतू का जो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, एकदम एक्यूरेट माप के निकल जाएंगे। तो देखते हैं कितना कितना आता है। तो मेरे भाई जब भी आपको टाइल्सों की संख्या ज्ञात करना होता है तो सदैव आप जो आपका घर है उसके क्षेत्रफल में, जो कि अगर ये बोर्ड है इसका जो इतना एरिया कवर किया है इसी पे तो हम लगाएंगे टाइल्स, तो इसका अगर हम मान लेते हैं कि लेंथ 999 सेंटीमीटर है और इसका ब्रिथ यानी कि चौड़ाई 407 मीटर है, तो ये लंबा हो गया, चौड़ा हो गया मान लेते हैं, ठीक है, इसी पे हम चिपकाएंगे ना 37 का, तो इसके क्षेत्रफल इतना तो ही चिपकाएंगे, तो इसके क्षेत्रफल में हम वर्ग के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो जो आएगा भागफल वह क्या होगा, टाइल्सों की संख्या होगा। क्या होगा मेरे भाई, टाइल्सों की संख्या होगा। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए और फिर हम निकालते हैं टाइल्सों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखो टाइल्सों की संख्या, संख्या बराबर क्या होगा, आप लिख लीजिएगा पूरा टाइल्सों की संख्या, अगर आप नोट्स बनाते हो तो, आयत का वर्ग या फिर आयताकार
कमरे का वर्ग या दीवार का वर्ग, ठीक है। आयताकार, आयताकार क्या था मेरे भाई, कमरा था, क्या था, कमरा, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है। अब फिर क्या होगा, वर्गाकार टाइल्स की, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, तो आयता का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका होता है ए स्क्वायर मान लेते हैं। अगर इसका जो आया है भुजा, ये ए, ठीक है, तो भुजा का वर्ग होता है। तो कैसे निकालेंगे, लंबाई 999, चौड़ाई 407, और डिवाइड बाई 37 गुणे 37, ठीक है। तो 37 से भाग देंगे अगर इसमें, तो देखो कितना बार जाता है, तो 37 से अगर भाग नहीं आपको नहीं आते, जैसे मान लेते हैं, जैसे आपको लगता है कि भाग नहीं आ रहा है मुझे, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो देखो दो बार ले जाना, सैंतीस दूना 77, अब घटाएंगे तो 22, और फिर ये 9, अब देखो कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 749, 7 के 1 मिनट, 7 दूना 9, 37 आया था ना मेरे भाई, 37 जाएगा तो जाना तो चाहिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार 3 7 21 विभाजन फिर कैसे होगा, अच्छा 1 मिनट 9, दो सत्य, ओ सॉरी मेरे भाई, वही तो हम भी करें, 2 7 14 होगा, और 2 3 6 74 होगा मेरे भाई, ठीक है, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। प्रोसेस एकदम सही है, बस क्या है कि थोड़ा से इधर उधर ध्यान चला जा रहा है, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 9, अब देखो 7 बार जाएगा, तो 7 7 49, और 7 3 21 4 25, ये कट गया, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर ये जाएगा 27 बार, और यह जाएगा आपका, यह जाएगा आपका 37 कम 37 3 37 37, तो मिला क्या आपका 27 गुणे 11। और हमने आपको बताया था कि 11 से किसी भी संख्या में गुणा करना बहुत आसान होता है, 27 को दूर दूर लिखना और इसे जोड़ देना, 2 और 7 क्या होता है 9, तो ये हो गया 297, वह न्यूनतम टाइल्सों की संख्या होगी 297, ठीक है, जो कि ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन नंबर दिया है आपका 297, ऑप्शन नंबर है आपका सी, सी फार चाचा हमारे विधायक हैं या चाचा हमारे मुखिया जी हैं, ठीक है। तो हालांकि आप इसे नोट कीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन एक और है क्या, ये कुछ दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का, बस इसी से, तो इसे आप नोट कीजिए मेरे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा पता किसमें, CDS 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे, तो आप पहले अगर न्यूनतम संख्या पूछे, तो आप पहले क्या करना, जो वहाँ पे भुजा दी हो कमरे का, चार दीवारी का, जो भी हो, ठीक है, उसका आप पहले LCF निकालिएगा, और LCF निकाल के आप क्या करना कि उसके क्षेत्रफल में जो LCF यानी कि टाइल्स के, भुजा के, जो भी होगा वर्गाकार हो या फिर आयताकार, उसके क्षेत्रफल से डिवाइड करना, तो टाइल्सों की संख्या आ जाएगा न्यूनतम। तो अब एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ है, वह 3 छड़ों में बराबर लंबाई के टुकड़े करना चाहता है, वह बिना कुछ बराबर किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। जब भी आपसे कम से कम पूछे, तो सदैव आप दिए गए नंबर्स का LCF ज्ञात करना मेरे भाई, क्या करना, LCF, क्यों, क्योंकि किसी चीज़ को जब बांटना होता है ना, तो हम हमेशा LCF के फॉर्म में बांटेंगे, बड़ा से बड़ा लेंगे तो कम से कम संख्या आएगा, जैसे कि दिया है L1 बराबर 10, L2 बराबर
15 और L3 बराबर 20, तो इनका SCF आ जाएगा SCF 5, दिख रहा है क्यों? 5 हुआ बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पाड़ा में 10, 15, 20 तीनों आते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, तीन लोहे के छड़े हैं, वह तीनों छड़ों में बराबर बराबर लंबाई के तीन टुकड़ों करना चाहता है, वह बिना कुछ बराबर किए उसमें कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, तो क्या करना, L1 में SCF से डिवाइड करना, तो 5 × 10 इसके 2 आएंगे, 2 भाग बनेगा 5-5 का। L2 में कितना होगा, तो 15/5, ये 3 भाग बनेगा, ठीक है। L3 में क्या आएगा, तो 20/5, यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, टुकड़ों की संख्या, तो 4 × 3 = 7 × 2 = 9, 9 टुकड़े होंगे, कितने होंगे टोटल, 9 टुकड़े होंगे, ठीक है, टुकड़े होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी फॉर चेन्नई बोलो, या फिर चाचा हमारे विधायक हैं, जो भी मन करे, या चाँद के पार चलो, ठीक है, चाँद के पार अक्सर लोग जाते हैं, आप भी कभी जाना। ये क्वेश्चन पूछा है SSC CHSL 2014 में, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसी टाइप्स के, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये टाइप एकदम वही है, या फिर ये क्वेश्चन ही वही हो शायद, ठीक है। तो मेरे भाई इसे आप नोट कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यापारी के पास 3000 लीटर नारियल का तेल, 300 लीटर नारियल का तेल और 330 लीटर मूँगफली का तेल है, और 420 लीटर सूरजमुखी का तेल है, वह उनको समान आयतन वाले पात्र में संचित करना चाहता है, उसको कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी, कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी, इसे आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे पहले ज्ञात करेंगे, जब भी आपसे पूछे कम से कम पात्रों की संख्या, तो सदैव आप ऐसे अब ज्ञात करना, अगर आप बोलें तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे दूँ, लेकिन सोच रहा हूँ बता ही दूँ, ठीक है, इसके बाद कभी देंगे। तो पहला दिया है नारियल का 300 लीटर, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं लीटर। फिर है आपका मूंगफली का 330 लीटर, ठीक है, और फिर दिया है सूरजमुखी का ये दिया है आपको 420 लीटर। तो मेरे भाई इन तीनों संख्याओं का आप SCF ज्ञात करना, जब भी कम से कम पूछे पात्रों की संख्या या टाइल्सों की संख्या, तो हमेशा आप क्या ज्ञात करेंगे, SCF ज्ञात करेंगे। मेरे भाई SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो जाती हैं पूरा। तो देखो भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं, वैसे 10 है यार, चलो मान लेते हैं 300 है, ये क्या है 330 है, ये क्या है 420 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 30 × 10, इसको क्या लिख सकते हैं 33 × 10, इसको लिख सकते हैं 42 × 10। तो देखो 10 कामन है, SCF क्या होता है, सभी संख्याओं में कामन होना चाहिए, SCF बराबर 10। और देखो क्या कामन आ रहा है, इसमें से 3 आ रहा है, इसमें से भी 3 आएगा, इसमें से भी 3 आएगा ना, तो 3 बराबर क्या जाएगा 30। तो देखो 30 से भाग इसमें चला जाएगा, इसमें भी 30 से भाग चला जाएगा, कैसे, 10 यहाँ से मिलेगा 3 यहाँ से मिलेगा, इसमें भी 30 से चला जाएगा, 10 यहाँ से मिलेगा 3 यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो मेरे भाई SCF क्या हुआ, 30 हुआ। अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो भाग विधि से लगा सकते हैं, है ना, कई तरीके हैं, आप अगर रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन किए हैं, आपको इतने तरीके बता दिए जाएंगे कि किसी न किसी तरह से आप जो भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लगा लेंगे, ठीक है, साम दाम दंड भेद लगा के। तो मेरे भाई ये हो गया आपका SCF। तो आप क्या करेंगे, इसमें 30 से भाग देंगे, आएगा क्या, 30 दहा पे होता है ना, तो 10 इसमें देंगे आप,
ये आएगा 11, इसमें देंगे आप 14। तो ये क्या हो गया कि अगर 300 लीटर वाला जो नारियल का तेल है उसको रखने के लिए अगर 30 लीटर का रखेंगे तो 33 का 10 जो भी पात्र होगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह 330 लीटर मूंगफली का अगर तेल रखना हो तो 30-30 का अगर पात्र लाएंगे तो 11 पात्र की आवश्यकता होगी। उसी तरह इसमें 14, इनको अगर हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 पात्र की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे साथी इसे आप नोट कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पूछा है MPPCS प्री 2014 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा है आपके IAS प्री 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि हम एक बार पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। उससे पहले आप इसे नोट कीजिए, तब तक मैं सुनाऊं कि एक व्यक्ति को 3 द्रव पेट्रोल 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर को बिना एक दूसरे के मिलाए पूर्णतः समान माप को बोतलों में ऐसा डालना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भरी जाए। ऐसी बोतलों की कम से कम संख्या ज्ञात, कम से कम कितनी संख्या की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब भी हमने आपको बताया था कि कम से कम पूछे तो पात्रों की जो माप होगा वो बड़ा से बड़ा लेंगे। ठीक है, तो इस केस में या इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि दी गई संख्याओं का LCF ज्ञात करेंगे। LCF ज्ञात करने का दो तरीका बताए थे, ये गुणनखंड विधि था और एक भाग विधि से हमने पिछले क्वेश्चन को बताए थे कि पिछला क्वेश्चन कैसे भाग विधि से लगता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसे हम जा रहे हैं मिठाने। अब आप लगाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से, बोर्ड पे तो दिखाई दे रहा है, हमसे पहले आप आंसर टिक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई, और लाइक तो करना एकदम मत भूलना। जो भी हमारे प्यारे भाई, प्यारे बहन, प्यारी बहनें देख रहे हैं इस वीडियो को, या प्यारे मेरे साथी जो भी देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, यही मुझे मेरी आशाएं हैं, आपसे उम्मीदें हैं। लिखा है कि पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल 403 लीटर। ठीक है, आ गया डीजल, डीजल दिया है 465 लीटर और दिया है मोबिल आयल ये दिया है 496 लीटर। ठीक है, 496 लीटर, एक मिनट, 496 लीटर दिया है, तो बिना मिलाए प्रत्येक बोतल की पूरी भरी जाए, ऐसी बोतलों की कम से कम कितनी संख्या होंगी। तो मेरे भाई इनका क्या है LCF ज्ञात करना, तो छोटी संख्या से पहले जस्ट बड़े वाले में भाग देना, एक बार जाएगा तो 403 आएगा, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, अब 62 से भाग देंगे इसमें। ठीक है, 6 5 30, 6 6 36, 6 बोले जाते हैं, 6 2 12, 6 6 36, 1 37, 1 हो गया, 7 3 10, ठीक है, 31 से भाग देंगे 62 में, तो 31 2 62 होता है। यहाँ तक दिख रहा है मेरे भाई? चलो अगर नहीं दिख रहा देखो, 31 से भाग देंगे 62 में, तो 31 2 62, मतलब ये हुआ कि ये LCF नहीं हो गया। ठीक है, यह तो इन दो संख्याओं का LCF आया है, इन दो संख्याओं का, इनका LCF आ गया था 31। लेकिन एक बार चेक करना, मेरा एक कर्तव्य है कि एक बार चेक कर लेंगे क्या 31 से ये संख्याएं विभाज्य हो रही हैं कि नहीं हो रही, एक बार चेक कर लेना मेरे भाई। हमेशा एग्जाम में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं अक्सर, कि शायद उससे भी छोटा आ जाए LCF। ठीक है, तो 31 से तो जाहिर सी बात है कि जो भी LCF आएगा आपका छोटा ही आएगा, अगर आए तो, अगर ना आए तो फिर वैसे अभा संख्याएँ हैं। ठीक है, 31 अभा संख्या है, तो इसे डिवाइड एकदम जाना ही जाना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो,
31 से कम 31, यहाँ से मिलेगा 8, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा तो 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 186। तो 31 क्या हो गया, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया आपका 31। 31 क्या है, वह बड़ी से बड़ी माप या पात्र है, पात्र का माप है, जो भी बर्तन लेंगे आप उसका वह माप है, जो इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी अलग अलग माप को अगर लेंगे तो पूर्णतः ये अलग अलग डब्बे में रख देंगे, ठीक है। तो कितने लगेंगे, तो जब पूछे संख्या, तो संख्या जब पूछे मेरे भाई, तो अलग अलग 31 से डिवाइड कर देना, इन जो पेट्रोल का मात्रा है 403, तो डिवाइड बाई 31, संख्या बराबर, ठीक है। किसकी संख्या, पात्रों की या बर्तनों की संख्या, प्लस 465 लीटर को 31 में कितने लगेंगे, ठीक है, पात्र, 496 में अगर 31 का डाला जाए तो कितना लगेगा, तो देखो 31 कितना बार जाएगा, एक होगा और मिलेगा कितना, 9 तो 3 13, ये क्या होगा 65, 31 से कम 31 और हो गया आपका 9, अच्छा 15 तो 5 है ना, और ये कितना होगा 31 से कम 31 और कितना जाएगा, कितने बार आया था अभी डिवाइड किए थे ना, तो 31 से कम 31 हो गया, 9 18 तो हो जाएगा 16। तो मेरे भाई इसको ऐड करना, देखो 5 3 8 8 6 14 3 1 4 44 पात्रों की आवश्यकता होगी, जो कि इसमें 13 लगेगा, इसमें 15 पात्र लगेंगे, इसमें 16 लगेंगे, और यह पात्र अलग अलग भर जाएंगे, और वो भी मोबिल में भरेगा, और डीजल में रहेगा, और पेट्रोल में रहेगा। तो मेरे साथी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर आप इस परिवार में नए हैं तो आप इस परिवार को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।